अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आई नो बहुत दिन से मैं वीडियोस नहीं शूट कर रही थी क्योंकि मेरे सेमेस्टर वन के एग्ज़ाम चल रहे थे। तो फाइनली मेरे एग्ज़ाम्स पूरे ख़त्म हो गए, तो आज मैं वापस से वीडियो बना रही हूँ। तो आज जो इस वीडियो पे मैं स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो सितंबर इंटेक 2024 में आने वाले हैं, एंड काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो नए आ रहे हैं, जिनको कुछ चीज़ें नहीं पता है, जिनको बहुत सारी चीज़ें जानी। इनफैक्ट जब मैं भी आई थी ना, तो ऐसी बहुत सारी डिफ़िकल्टीज जो मुझे हुई थी, लाइक ये जो लंदन है ना, काफ़ी मतलब लाइक चेंज है। लाइक हम जैसे इंडिया में नॉर्मली रहते हैं, यहाँ के रूल्स रेगुलेशन, ट्रैवल करना, कैसे मैनेज करना है, उसका काफ़ी डिफरेंट है। तो आप परेशान ना हो, आप में से अगर किसी को भी कोई भी क्वेरी हो तो वो मुझसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम पर भी और मेरे कॉमेंट सेक्शन पर भी आप जो भी क्वेरीज होगी, मैं पूरी कोशिश करूँगी उसे रिजॉल्व करने की। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि मैं मोर्टिमर रोड में रहती हूँ, जो कि ईस्ट हैम में पड़ता है। तो मैं इसलिए यहाँ रहती हूँ क्योंकि ईस्ट हैम मतलब यहाँ से मेरी यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन जो है डॉकलैंड कैंपस, मैं वहाँ की स्टूडेंट हूँ, तो वो ऑलमोस्ट पास ही पड़ती है। तो मुझे मैं वॉकिंग डिस्टेंस पर भी कवर कर ली थी, तो अराउंड 30 मिनट्स मुझे लगते हैं वॉक डिस्टेंस पर। और अगर मैं बस से जाऊँ तो बसेस से अराउंड 15 मिनट्स में मैं पहुँच जाती हूँ। तो आज मैं आपको घुमाऊँगी पूरा ईस्ट हैम। लाइक ईस्ट हैम की ऐसी तीन बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो इंडियन स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प करेगी। लाइक जो स्पेशली जो न्यू आ रहे हैं, और ये भी ऐसा नहीं है कि उन सब के लिए, और जो बाकी सब जो लंदन देखना चाहते जाना चाहते ये वीडियो उनके लिए भी है। तो बने रहिए वीडियो पे, मैं आपको दिखाती हूँ ईस्ट हैम। तो हम चल रहे हैं ईस्ट हैम की ओर, जो मेन मार्केट है वहाँ पे चल रहे हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ ईस्ट हैम। तो ये है, ये मैं अभी हूँ, ये मेन ईस्ट हैम सेंट्रल पार्क की ओर हम बढ़ रहे हैं। तो फिर यहाँ आसपास काफ़ी सारी शॉप्स हैं, क्योंकि जो लोग हैं ना, बेसिकली इधर जिधर मैं रहती हूँ उधर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स रहते हैं फ्लैट पे, और काफ़ी सारी शॉप्स भी हैं जहाँ से ग्रोसरी ली जा सकती है। ये देखो, ये लॉन्ड्री। तो बेसिकली जब ठंड का टाइम होता है ना, तो क्या होता है कि यहाँ हमारे कपड़े नहीं सूखते। तो अराउंड अगर सॉरी मैंने वीडियो बाद में बंद कर दी थी, एक्चुअली एक कार आ गई थी मेरे आगे। तो ज़्यादा नहीं, बस 1 पाउंड में आपके कपड़े सूख जाएंगे। आप कपड़े घर पे धुल लो वॉशिंग मशीन पे, एंड देन आप कपड़े उठा के ले जाओ लॉन्ड्री पे, और आप चाहो तो कपड़े भी वहीं धुल सकते हो, नो इशू। बट जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको थोड़ा एक्सपेंसेस मैनेज करने में, मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ तो मैं समझ सकती हूँ। तो चलो, और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर जो मेन तीन चीज़ें मैंने आपको इससे पहले भी कही, जो मेन तीन चीज़ें मैं बताने वाली हूँ, अगर वो आपको जाननी है वो बहुत हेल्पफुल है, ट्रस्ट मी गाइस। मुझे भी नहीं पता था ये वो तीन चीज़ें, तो जब मैं यहाँ आई तब मुझे पता चला। सो ये देखें, ये हम आ गए हैं, ये है ईस्ट हैम के सेंट्रल पार्क। तो मैं जब से यहाँ रहने आई हूँ, मुझे अराउंड 2 महीने हो गए हैं, पर मैं एक भी दिन यहाँ नहीं गई। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं यहाँ जल्दी जाऊँ और फिर यहाँ की भी वीडियो बना के आप लोगों को दिखाऊँ। हाँ, मैंने बाहर से देखा है, लाइक थोड़ी बड़ी जगह है और फिर यहाँ काफ़ी सारे झूले हैं, बच्चे खेलते हैं। तो मैं सोच रही हूँ मैं जल्दी जाऊँगी और मैं आप लोगों को ज़रूर अपडेट दूँगी कि यहाँ मैंने क्या न्यू चीज़ एक्सपीरियंस की, मैंने क्या न्यू देखा। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो हम इस टाइम ज़्यादा दूर नहीं पड़ता है मुझसे, लाइक अराउंड, अगर मैं वॉकिंग डिस्टेंस पे जाऊँ तो अराउंड, एक्चुअली मैं काफ़ी धीरे धीरे चलना पसंद करती हूँ, काफ़ी सारे चीज़ें मुझे अच्छा लगता है, मतलब स्पीड चलना पसंद नहीं। तो हाँ, जब सिचुएशन ऐसा नहीं है, जब सिचुएशन ऐसी होती है तो मैं जल्दी से भी वॉक कर लेती हूँ, बट अभी तो ऐसा कुछ इशू है नहीं। तो अराउंड 15 मिनट्स मुझे लग जाएंगे इस टाइम पहुँचने में। तो तब तक आप सब बने रहो, आई होप ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल होगी। तो ये देखो, जो दिन का टाइम होता है उसमें काफ़ी सारे लोग होते हैं, मैंने खुद देखा है, काफ़ी सारे बच्चे खेलने आते हैं एंड ऑल। तो फिर बढ़ रहे हैं इस टाइम की ओर। तो ये ऑलमोस्ट हम पहुंच ही चुके हैं, ये कुछ फ्लैट्स रह गए, ये देखो फ्रेंड्स फ्लैट्स रह गए, फिर नेक्स्ट बस स्टॉप आ गया है। चले, ये आप लोग देखो, बहुत सारी बसेस खड़ी हैं जो ईस्ट हैम की ओर जा रही हैं और उससे आगे भी। तो ऐसा नहीं है कि मैं बस वॉक करती हूँ, बट आज स्पेशली मुझे आप लोगों को ईस्ट हैम दिखाना था।
तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं वॉक करूं। और अगर जिस भी स्टूडेंट्स को ये चाहिए कि लाइक बस में ट्रैवल कैसे करना है, एंड वो जो यहाँ पे जो बस में ट्रैवल करने के लिए स्पेशल ऑयस्टर कार्ड्स चाहिए होते हैं, तो जिसको भी ये क्वेरी है लाइक कि ऑयस्टर कार्ड कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है, तो आप चाहो तो मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे, मैं उसकी पूरी डिटेल वीडियो डाल दूंगी कि लाइक दो टाइप के ऑयस्टर कार्ड होते हैं, तो इस चीज़ की पूरी डिटेल मैं दे दूंगी आपको बेसिकली। तो अभी हम बढ़ते हैं इस टाइम की तरफ। तो ये अब ऑलमोस्ट जो सेंट्रल पार्क है ये देखो गाइस, ऑलमोस्ट अभी अंधेरा है, काफ़ी सारे पेड़ हैं, ये अभी बंद है क्योंकि अभी शाम का टाइम हो गया और कोई है नहीं, बाकी दिन के टाइम में तो। तो फ्रेंड्स इस टाइम मैम थोड़ा आगे आ गए, तो जो एक इस टाइम की एक बहुत अच्छी सी जगह है जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, एंड उसके पास में एक न्यू हैम यूनिवर्सिटी भी है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी। तो हम आसपास क्लोज पहुँच ही गए हैं, बहुत क्लोज हैं उसके, तो वो जगह आपको बहुत अच्छी लगने वाली है क्योंकि बाहर से मुझे भी जब मैंने पहली बार देखा था मुझे बहुत अच्छी लगी थी वो जगह का। तो फ्रेंड्स ये है वो जगह है जो कि है ईस्ट हैम टाउन हॉल, न्यू हैम, हाँ टाउन हॉल यही तो है। और देखो इसके बगल में ये है न्यू हैम यूनिवर्सिटी, तो इसमें अंडर कंस्ट्रक्शन है बट अभी भी क्लासेस चलती है, जो क्लासेस हैं वो बेसिकली इस वाले बिल्डिंग पे अभी चल रही है। मैं जब सुबह आऊँगी, कभी सुबह आऊँगी तो दिखाऊँगी, इसमें से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो पढ़ के निकलते हैं दोपहर के टाइम में, तो शाम के टाइम भी यहाँ काफ़ी रश होता है क्योंकि बेसिकली इस यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट निकलते हैं। देखो इस ऑफिस का मेन बिल्डिंग है और फिर ये जो है आगे है न्यू हैम टाउन हॉल, तो ये भी ये देखो आगे आप, ये है न्यू हैम टाउन हॉल की बस स्टॉप, यहाँ ये भी एक बस स्टॉप है, ये भी मेना पार्क, देखो टूवर्ड्स मेना पार्क जाती है मेनली बसेस इसकी। तो ऐसा नहीं है कि काफ़ी टफ है, जब आप एक बार जान जाओगे ना यहाँ आकर कि कैसे ट्रैवल करना है। शुरुआत में मुझे भी प्रॉब्लम हुई थी जब मैं न्यू आई थी, बट फिर एक दो दिन के बाद मैं ईज हो गई ट्रैवल करने, जब आप जान जाओगे चीज़ें तो। और बेसिकली ये चीज़ है कि आपको शाई नहीं होना, लाइक हम इंडियन शर्माते बहुत हैं, तो शर्माना कोई सॉल्यूशन नहीं है, आप जितने ज़्यादा चीज़ें पूछोगे उतने ज़्यादा जानोगे। और हाँ ऐसा नहीं है कि आपको बस एक इंसान से वो चीज़ें पूछनी है, दो तीन से पूछो एंड देन। ये देखो ये है हम टाउन हॉल, ये मुझे बहुत खूबसूरत लगता है एक्चुअली। एक यहाँ पे मैंने बहुत सारे कपल्स को शादी करके निकलते हुए देखा है। और फिर ये देखो ये हम आ गए इस टाइम टाउन हॉल मेन मार्केट में, जिसके बाद मैं आपको कर रही थी। तो जो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताने, तीन चीज़ें मैं आपको बताने वाली थी, उसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि फ्रेंड्स जो ईस्ट हैम है ना, यहाँ पे रहना मुझे इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि सबसे पहले तो मेरे यूनिवर्सिटी पास, दूसरी बात ये है कि जो ईस्ट हैम है यहाँ पे मोस्टली आपको इंडियंस ही मिलेंगे। मोस्टली क्या, अगर यहाँ पे 100% लोग रहते तो यहाँ आपको 90% इंडियंस ही मिलेंगे। तो ये भी एक अच्छा, अगर मुझे आपको इंडियन खाना खाना है तो मैं आपको बहुत सारी जगह दिखाऊंगी। ये देखो हम आ गए, ये क्रॉस करके हम मेन मार्केट पे पहुंच जाएंगे, तो बसेस मैं वेट कर रही हूँ सिग्नल का एंड देन फिर। अच्छा यहाँ भी सिग्नल नहीं है, यहाँ पे जो चीज़ें हैं ना, तो यहाँ जो चीज़ें हैं ना वो बेसिकली आपको ईस्ट हैम लोग आते हैं मेन मार्केट के तौर पे, यहाँ पे काफ़ी सारे शॉप्स हैं जहाँ से आप ग्रोसरी परचेज कर सकते हो, कपड़े खरीद सकते हो, और बेसिकली इसे मेन मार्केट इसीलिए कहा जाता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, चलो फ्रेंड्स आप। ये है मैगी बगल में, और ये जो है ना ये यहाँ पे फुटपाथ पे लगाते हैं, सब्जियाँ मिलती हैं। तो अगर ये है ना आगे जाकर मैं आपको दिखाऊँगी बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं जो साउथ इंडियन के हैं, और ये देखो बैंक्स भी है, तो यहाँ पे काफ़ी सारे बैंक्स भी होते हैं लाइक बारक्लेज होते हैं, HSBC। तो जिन किसी को भी एक और चीज़ यहाँ पे आओगे तो बैंक अकाउंट होना मस्ट है। तो फ्रेंड्स ये है प्राइमार्क, तो प्राइमार्क बेसिकली है ना कि यहाँ कपड़ों की शॉपिंग करने आते, तो मैं बेसिकली मैं पर्सनली भी प्रेफर करती हूँ जब भी मुझे कपड़े ख़रीदने होते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें, मैं खुद, मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस रही है प्राइमार्क की बहुत अच्छी, यहाँ की जो कपड़े की क्वालिटी है ना मुझे बहुत अच्छी लगती है। और ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पे लाइक कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, कॉस्ट भी सिंपल ही रहती है, तो हाँ मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है एज अ प्राइमार्क आना। तो
ये हम चलते चलते यहाँ पहुँच गए हैं जहाँ पे अब ईस्ट हैम की जो ट्यूब स्टेशन है वो ऑलमोस्ट हमारे पास में है, तो मैं वो भी आपको दिखाऊंगी। एक्चुअली यहाँ पे सारे घर जो है ना वो एक तरह के ही दिखते हैं, लाइक हमारे जो इंडिया में होते हैं ना वो सारे घर ऐसे होते हैं अलग अलग डिज़ाइंस के अलग अलग कलर से, बट यहाँ ऐसा नहीं है। मोस्टली आपको 1-2% ही ऐसे घर मिलेंगे जो अलग दिखते होंगे, फिर जो अलग होते होंगे, बट मोस्टली ये देखो ये सामने HSBC बैंक आपको दिखेगी, आप यहाँ आके अपना बैंक अकाउंट ओपन करवा सकते हो। तो जो भी लोग यहाँ आकर KFC ढूंढते हैं मैं उन्हें दिखाऊंगी कि देखो मैं कहाँ खड़ी हूँ। तो यहाँ पे KFC भी है ईस्ट हैम में, यहाँ पे आके आप लोग इन्जॉय कर सकते हो। अगर जो भी कोई पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रहे हैं तो आप KFC या MACD के ऑफिशियल साइट पे जाके जॉब सर्च कर सकते हो, काफ़ी सारी जॉब्स जो अवेलेबल है। तो कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि आपको एक स्पेसिफिक एरिया सेलेक्ट करना पड़ेगा, लाइक अगर आप एज ए किचन कॉर्नर जाना चाहते हो या फिर एज अ वेटरेस, तो इनके ऑफिशियल साइट पे जाके आप जॉब्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। और फिर क्या है, तो फ्रेंड्स ईस्ट हैम में ना ऐसी बहुत सारी शॉप्स हैं जो एक स्टूडेंट के लिए बहुत हेल्पफुल होंगी, लाइक जहाँ पे ये चीज़ें मोस्टली हम जब बाहर जाते हैं तो हमें इंडियन खाने की बहुत याद आती है, तो लाइक इंडियन की चीज़ें मिल जाती है, तो मैं वो भी आपको कवर करूँगी इस वीडियो पे। और फिर अगर आप आर्ट अगर आपको स्पेसिफिक प्राइस भी जाननी है तो उसके लिए तो आपको मुझे मेंशन करना पड़ेगा भाई, उसके लिए तो कमेंट करनी पड़ेगी, तो मैं उसकी भी डिटेल आपको बता दूँगी यहाँ पे शॉपिंग कैसे करनी है। तो यहाँ पे शॉपिंग आप कैश और कार्ड दोनों से कर सकते हो, बट अगर कहीं लिखा हो स्पेसिफिकली कि आप यहाँ पे कार्ड से ही शॉपिंग कर सकते हो देन वहाँ पे आपका कैश नहीं चलेगा, तो ये रूल मस्ट है यहाँ की। एक्चुअली यहाँ की कोई रूल नहीं है, बट कुछ शॉप्स ऐसे होते हैं जो ऐसा करते हैं कि वो कैश नहीं लेते हैं, बट कुछ ऐसे भी शॉप्स होते हैं जहाँ पे सिर्फ कैश लेते हैं, तो आप देख लेना। ऐसा नहीं है कि एक दो ही शॉप्स है, ऐसी बहुत सारी शॉप्स पड़ी हैं। तो ये देखो यहाँ पे पड़ती है हमारी ये सिद्धि रेस्टोरेंट, ये भी जो है ये देखो जो है ईस्ट हैम ट्यूब स्टेशन है। और ये हाँ बेसिकली यहाँ की सारी ट्यूब्स अंडरग्राउंड ही चलती हैं। ये है स्पोर्ट्स ड्रेस, जिन भी लाइक बॉयज़ मोस्टली प्रेफर करते हैं स्पोर्ट्स ड्रेस, क्योंकि उन्हें स्पोर्ट्स शूज़ एंड ऑल बहुत पसंद होती हैं। तो फिर ये देखो ये है ईस्ट हैम की मेट्रो। तो एक्चुअली अभी तो मुझे कहीं जाना नहीं है, इस टाइम तो दूर, मुझे इस टाइम में ही रहना है, इस टाइम की पूरी टूर करवानी। तो आप देख लो ये इस टाइम है, यहीं से जाते हैं। अगर आपको आपके यहाँ कहीं भी जाना है तो बेसिकली लोग यहीं से जाते हैं। और फिर ये देखो, तो जो दूसरी बात है मैं आपको बताना चाहती थी वो मैं बताती हूँ अब। ये देख लो आप अच्छे से पूरी तरीके से, काफ़ी सारे शॉप्स हैं यहाँ पे, एक्सचेंजेस भी है, जिन स्टूडेंट्स को करेंसी चेंज करवानी होती है चाहे वो इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, बांग्लादेश की या दूसरी कहीं भी किसी भी कंट्री से। तो ये पापा चिकन, मैं स्पेशली पापा चिकन यहाँ की, मुझे बर्गर बहुत अच्छी लगती है, तो आप चाहो तो आ सकते हो। और यहाँ कॉस्ट भी इतना नहीं लेते हैं, तो हाँ मोस्टली ये देखो ये भी है काफ़ी सारे रेस्टोरेंट। ये देखो, तो वो दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाह रही थी इस वीडियो में वो ये है कि जैसे कि मैंने आपको भी दिखाया, तो मोस्टली ईस्ट हैम में अगर आप रहोगे तो आप जितनी भी इंडियन चीज़ें आपको चाहिए यहाँ पे काफ़ी सारे शॉप्स हैं, या फिर मोस्टली है जो साउथ इंडियन की है, तो आपको जो भी इंडियन मसाले चाहिए या जो रेस्टोरेंट्स है उसमें खाना चाहिए तो वो आपको साउथ इंडियन के ही मिल, मतलब लाइक इंडियन इंडिया के ही मिलेंगे, सॉरी। तो ये भी एक बेनिफिशियरी है कि अगर आप ईस्ट हैम में रहते हो तो आपको उतनी चीज़ें ढूंढनी नहीं पड़ती है, बिकॉज यहाँ पे आके जो रहने का जो मेन दिक्कत होता है ना वो ये है कि फ्रेंड्स, तो यहाँ एक टेंपल भी है ईस्ट हैम में, तो बहुत सारे लोग मैंने देखा था दिवाली दुर्गा पूजा के टाइम यहाँ दर्शन करने आते हैं,
और जो ये है ना फ्रेंड्स, जो यहाँ के मंदिर है ना, ये भी कहा जाता है कि यहाँ पे आफ्टर 7 PM यहाँ पे फ्री खाना भी मिलता है। तो बहुत सारे लोग जो बना नहीं पाते या जो ऑफिस वर्कर होते हैं वो इसलिए भी आते हैं। तो काफ़ी अच्छी जगह है। एंड देन नेक्स्ट चीज़ें और भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखो फ्रेंड्स, मैं आपको मंदिर का व्यू बाहर से दिखा रही हूँ, अंदर बहुत सारे लोग हैं। तो ये है लंदन श्री महालक्ष्मी टेम्पल। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं जो अपने इंडियन कल्चर को मिस करते हैं या फिर मंदिर। और ये देखो, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि यहाँ काफ़ी सारे शॉप्स हैं जो आपको साउथ इंडियन शॉप सीखेंगे, तो आप यहाँ पे आके शॉपिंग कर सकते हो। बेसिकली मैं ख़ुद भी प्रेफर करती हूँ क्योंकि यहाँ मुझे सारी इंडियन चीज़ें मिल जाती हैं। बेसिकली अगर वो चावल हो, आटे, ऑयल हो, ऑल दी थिंग्स। और यहाँ पे काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स भी हैं। तो साइड में मेरे बसेस चल रहे हैं। तो देखो यहाँ पे जो है लक्ष्मी एंटरप्राइजेस, यहाँ पे आपको अगर पूजा रिलेटेड कोई भी चीज़ें चाहिए तो यहाँ पे मिल जाएंगी आपको। एंड ये देख सकते हो आप, थोड़ा और आगे आ गए हम। तो ये है श्री महालक्ष्मी टेम्पल, लक्ष्मी नारायण ट्रस्ट। तो बेसिकली ऐसी हर चीज़ें, हर डिफरेंट रिलीजन के लिए यहाँ पे ट्रस्ट होता है। तो और अगर हम थोड़ी आगे जाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पे इस टाइम की मस्जिद भी है। तो काफ़ी लोग नमाज़ पढ़ने भी आते हैं यहाँ पे, जो देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे लेडीज़ के लिए भी मस्जिद में ही नमाज़ पढ़ सकते हो जाकर। तो ऐसे तो मैंने कभी पढ़ा नहीं है, मैं नमाज़ अपने रूम पे ही पढ़ती हूँ बेसिकली। तो ये यहाँ पे बेसिकली ये चीज़ है कि ऐसा कोई दुश्मनी नहीं है। तो काफ़ी सारे मैं आई हूँ सैटरडेज में। ऐसा होता है कि जो मस्जिद के लोग हैं ना, वो खाने डोनेट करते हैं जो मस्जिद में चैरिटी ट्रस्ट में होते हैं। तो हर सैटरडेज को रात के 8 बजे यहीं पे एक लाइन लगी होती है। तो आज तो फ्राइडे है, तो अगर आप कहोगे तो मैं कभी आपको दिखाऊंगी। तो बहुत सारे लोग आते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम रिलीजन के ही आते हैं। ये देखो आप, यहाँ पे इंडियन कपड़े भी मिलते हैं। जब फेस्टिवल्स होती है तब यहाँ पे काफ़ी भीड़ होती है। अभी तो नहीं है क्योंकि यहाँ पे ठंड है, तो मोस्टली कोई इंडियन कपड़े साड़ी वगैरह प्रेफर नहीं करता है उतना, बहुत कम ही ऐसे होते होंगे। ये देखो एक और रेस्टोरेंट है, टेस्ट ऑफ इंडिया प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट जो है। फिर यहाँ पे शक्ति है, जो जहाँ से आप ग्रोसरीज खरीद सकते हो। एंड और भी चीज़ें आएंगी जो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो जो भी चाहते हैं कि वो ईस्ट हैम में रहें, वो ये वीडियो ज़रूर देखें। उनके लिए थोड़ा ईजी हो जाएगा जब आप फर्स्ट टाइम आओगे, तो कहाँ से चीज़ें खरीदनी है, कैसे रहना है, एंड वो भी चीज़ें। ये देखो आप, शक्ति कैश एंड कैरी, फिर निराला ओरिजिनल। यहाँ पे ऐसे इंडियन मिठाइयाँ भी मिलती है। ये देखो नमस्ते इंडिया, यहाँ पे लाइक ड्रिंकिंग आम है। बट जो इंडियन रेस्टोरेंट्स होते हैं, मोस्टली आपको ये बेनिफिशियल होता है कि आपको खाने अच्छे मिल जाते हैं। एंड लीज प्रॉपर्टी, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो अपनी पूरी फैमिली के साथ आते हैं एंड इनको कांटेक्ट करते हैं, ये लीज में उनको घर दिलवा देते हैं। एंड ये देखो आप, नूरी पराठे, यहाँ पे चिकन और मटन मिलना कोई मुश्किल बात नहीं है, यहाँ पे सारे लोग खाते हैं। बेसिकली ठंड का एरिया है। तो लीज ऑफ एंड फ्रेंड्स लंदन, यहाँ पे काफ़ी सुपर मार्केट स्टोर्स है। देखो ब्रिटिश शॉप्स भी है यहाँ पे काफ़ी सारे। और सच बताओ, यहाँ की जो लाइक जब आप किसी बार्बर की शॉप पे जाओगे तो बहुत महंगी है एज़ कम्पेयर टू जब हम इंडिया में कटवाते हैं। मैंने एक जगह चार्ट में पढ़ी थी कि लाइक फॉर सिंपल ईयर कटिंग इट वॉज़ 13 pounds। तो आप कैलकुलेट कर लो कि इंडिया के कितने होंगे। तो मोस्टली लोग हैं जो वो प्रेफर नहीं करते हैं, बहुत कम ही लोग हैं जो वो जाते हैं बाल कटवाने। और ये देखो अम्बाल कैश एंड कैरी, और भी शॉप, ये सारी साउथ इंडियन की शॉप्स है बेसिकली। तो ऐसे कोई प्रॉब्लम है नहीं यहाँ आपको इंडियन खाने की, आपको इजीली मिल जाएंगे। देखो यहाँ पे हर तरह की सब्जियाँ मिल जाएगी आपको, मैं आपको खड़ी होकर दिखाती हूँ। हर तरह की सब्जियाँ, हर वो चीज़ जो हमें चाहिए होती है। एंड ये देखो बहुत सारी ट्रैवल एजेंसीज भी हैं।
सकते हो आप यहाँ पे। और देखो मैंने आपको बताया था ना कि जैसे वहाँ पे एक ट्रस्ट थी फॉर दैट मंदिर महालक्ष्मी टेम्पल की, तो आगे है इस्लामिक ट्रस्ट, इस्लामिक ट्रस्ट सेंटर भी है। लाइक वहाँ पे काफ़ी सारे, मैंने आपको बताया कि हर सैटरडे को खाने डोनेट किए जाते हैं, तो आगे वहाँ पे भी है। लाइक वहाँ से भी काफ़ी कभी कभी मैंने देखा है कि वहाँ पे कैंप भी लगती है डॉक्टर की, लाइक मेडिकल कैंप हो गई और सारी चीज़ें। ये देखो आप, और उसके थोड़ी आगे मस्जिद भी है, ये देखो ईसा एंड ऑल। सो जो चीज़ लोग कहते हैं कि लाइक पाउंडलैंड से ले लो आप चीज़ें या फिर टेस्को से ले लो, तो वो भी कम बुरे नहीं है, बट बेसिकली मुझे ये चीज़ था कि हम इंडियन खाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो इंडियन चीज़ें आपको एज कम्पेयर टू ये जो साउथ इंडियन शॉप्स हैं वहाँ पे कम ही दिखाई देंगे। ये देखो आप, थोड़ा और आगे आ गए हैं। काफ़ी सारी जगह यहाँ कंस्ट्रक्शन चलती रहती हैं, बट ऐसा नहीं कि वो शॉप्स बंद होते हैं, वो कैसे ना कैसे करके चलाते ही हैं। मतलब लाइक नीचे की जो शॉप एरिया, यहाँ पे आपको वॉशिंग मशीन मिल जाएंगी, यहाँ पे जॉब्स की भी रिक्वायरमेंट है, तो देखो एक्सपर्ट लेने वांटेड। हाँ तो सारी चीज़ें, तो मैं अपनी वीडियो में कोशिश करूँगी कि अपनी सारी चीज़ें कवर कर लूँ, मतलब वो सारी चीज़ें जो स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल होती हैं, बट ये तो एक वीडियो में पॉसिबल नहीं हो सकती, ये तो आप सब भी जानते हो। तो आगे बढ़ते हैं हम, यह है कैटो केमिस्ट। तो एक बार मेरी तबीयत स्टार्टिंग में बहुत ख़राब हो गई थी, मैं गई थी मेडिसिन लेने, बट उन्होंने मुझे मना कर दिया था क्योंकि जब तक आप डॉक्टर से कंसल्ट करके उन्हें स्लिप नहीं दिखाओगे तो वो आपको दवा नहीं दे सकते। हाँ, अगर आपको नॉर्मल यूजेस की चीज़ें चाहिए होंगी, जैसे लड़कियों की कुछ पर्सनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो वो सब आपको मिल जाएंगे इन शॉप्स। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, लाइक अगर आपको फीवर हो बहुत ज़्यादा या फिर, तो फिर आप, तो इसी के लिए पता है फ्रेंड्स, मैं बेसिकली यही सजेस्ट करूँगी कि जो भी लोग इंडिया से आ रहे हैं तो अपनी उतनी मेडिसिन्स लेकर ही आए जो आपकी डेली रिक्वायरमेंट होती है। हाँ, मेडिसिन्स लाने की एक क्राइटेरिया होती है, लाइक उसकी आपको प्रॉपर स्लिप दिखानी होगी एयरपोर्ट में, बट वो आप कर सकते हो, वो उतना भी मुश्किल नहीं होता है। लाइक मैंने खुद, ये देखो, ये है बैतुर रहमान मस्जिद, यहाँ पे लोग नमाज पढ़ने आते हैं। अभी तो ऐसा, यहाँ पे नमाज की टाइमिंग, यहाँ पे जब से मैं आई हूँ यहाँ पे लंदन की किसी भी मस्जिद में मैंने अजान होते हुए नहीं सुनी है। तो आपको फ़ोन पे एक, लाइक मैं खुद भी नमाज़ पढ़ती हूँ तो मैं खुद प्रेफर करती हूँ कि, लाइक मैं भी नमाज़ पढ़ती हूँ तो मैं ये प्रेफर करती हूँ कि, मैंने एक ऐप डाउनलोड कर रखा है तो जिसमें अजान की टाइमिंग, यहाँ की अजान की टाइमिंग, लाइक यहाँ पे ऑलमोस्ट 6 बजे इशा का वक्त हो जाता है, तो उस चीज़ से आपको मैनेज करनी पड़ेगी। आप चाहो तो रूम पे भी नमाज़ पढ़ सकते हो, या फिर आप मस्जिद आना चाहो तो मस्जिद भी आ सकते हो, तो वही सारी चीज़ें हैं। और ये नेक्स्ट यहाँ पे, ये ईस्ट हार्म मेने पार्क एंड होता है, तो ये देखो यहाँ बहुत अच्छी चीज़ें, ये है एक चर्च, तो मेना पार्क क्रिश्चियन सेंटर, तो यहाँ पे भी आप आ सकते हो, जो भी क्रिश्चियन से प्रेयर करने के आते ही हैं ऑलमोस्ट, लाइक हाँ। तो फिर यही, दैट्स अप फॉर टुडे, इतनी ही थी हमारी इस वीडियो में। तो आप में से जिस भी लोग को किसी तरह की भी कोई भी क्वेरी हो, स्पेशली जो स्टूडेंट्स आने वाले हैं जनवरी में, तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं हर चीज़ की वीडियो डाल सकूँ प्रॉपर। अब तो मैं फ्री हूँ क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए हैं, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो बेसिकली इंस्टाग्राम पर। तो और उन सभी लोगों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन जो सेलेक्ट हो गए यहाँ की यूनिवर्सिटी में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए मैं चाहूँगी कि आप लाइक शेयर ज़रूर करें इस वीडियो को, जो भी फ्रेंड्स या स्टूडेंट्स आपके आने वाले हैं लंदन पढ़ने के लिए। तो दैट्स, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए ख्याल रखें अपना एंड डोंट बी सो मच स्ट्रेस, बिकॉज अगर आपने ये ठान लिया है कि आप आओगे तो फिर आपको करना ही है वो चीज़, पीछे मत हटना, ये उतना भी मुश्किल नहीं है, आप कर सकते हो। बाय।